एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ गाय जैसी दिखने वाली एक जानवर है आपका जो है, जो कि तीन इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, दूध की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अगर आज ये विदेशी गाय नहीं होती ना तो दूध का रेट एक हजार किलो होता। हम लाए जर्सी गाय, हमको वहाँ लॉस हो गया, हमको जानकारी नहीं था, हमको जो है हम लाए लॉस हो गया, हमको 10 लाख वहाँ लॉस हुआ। दूध लेते हैं 60 रुपए के जी, आपका दूध हम 100 रुपए के जी क्यों ले, 120 का के जी हम क्यों ले, वहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। तो इस फार्म में कितना खर्चा करें महीने का अगर देखा जाए तो? देखिए अभी हम 1.5 लाख से प्लस दूध भी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। चार चीज में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि इसको आप जितना भी पढ़ेगा ना उतना ही आप समुद्र। कि गिर गौशाला या गिर गाय का पालन या देसी गाय का पालन हमारे युवा साथी आज करना कम कर दिए हैं, लेकिन एक युवा साथी है जो कि ट्रेनिंग लेकर के गिर गौशाला इन्होंने खोला और आज अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। किस कंडीशन में ले पा रहे हैं, इनके पास कितना अनुभव, अनुभव के भंडार हैं ये, और सारे अनुभव हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। नमस्ते आपको भी और नमस्ते आपके सारे व्यूवर्स को। मैं मनीष कुमार, जन्मस्थान नारमुरार, पंचायत कुटरी, प्रखंड वारफलीगंज, जिला नवादा, राज्य बिहार का रहने वाले हैं। वर्तमान में जहाँ पे आप खड़े हैं ये अमृतपान गिर गौशाला है जो पटना में है, पटना भूतनाथ रोड, आपका जो है नंदलाल छपरा नियर 0 माइल राजेंद्र नगर में। वर्तमान में ये अपना डेयरी फार्म है जो अमृतपान गिर गौशाला के नाम से यहाँ चला रहे हैं। तो आप इस लाइन में कब से आए हुए हैं सर? इस लाइन में हमको आए हुए 5 साल हो गया है। 5 साल हो गया, 5-6 साल हो गया हमको जो है। तो डेयरी फार्मिंग मतलब कब से आप कर रहे हैं? 5 साल पहले डेयरी फार्मिंग? हाँ, हम पहले नौकरी करते थे आपके जो है यहाँ दिल्ली में। अच्छा। एक इवनिंग बुफे कंपनी है, मैंने एचएम किया हुआ है वहाँ पे। मैं होटल मैनेजमेंट से, मैं आपका एक अच्छी आपका 7-6 है, फूड विस्ता है, CCI है, जैन है, ये सारे 3-स्टार होटल हैं। अच्छा। वहाँ मैं पहले मैनेजर था, कोरोना में मैं गांव आया, मैं वहाँ से मेरा जो है आपका डेयरी फार्म में रुचि बढ़ा और मैं वहाँ से मैंने अपना जो है उस काम को छोड़ के मैंने अपना ये फील्ड मैंने चुना मैंने जो है। तो मेरे मन में सवाल है सर, क्योंकि हमारे दर्शक भी तो बहुत सारे वीडियो देखते होंगे और आज इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, तो अभी जो हमने देखा है सर डेयरी फार्म विदेशी गायों से बोलता, हम गिर गायों से करते हैं तो बंद हो जाता है क्योंकि रेट नहीं मिलता है या बहुत सारे कारण होता है, तो आप फिर क्यों इनके तरफ भागे? लोग एचएफ की तरफ भागना चाहते हैं क्योंकि इसमें अच्छा पैसा है, मुनाफा अच्छा होता है, लेकिन आप इसके तरफ क्यों भागे सर? देखिए हम एचएफ का फॉर्म पहले किए थे आज से 5 साल पहले। अच्छा। जब हम यहाँ पे आए थे तो हम भी बहुत हम भी बड़ा अट्रैक्ट थे आपके जर्सी एचएफ से जो है। अच्छा अच्छा। बिहार में तो कुछ नहीं है, बिहार में जो गाय है वो दूध करती है 15 kg 18 kg 20 kg हार्डली 25 kg जो है। हम दिल्ली से आपका डी यूनिवर्सिटी से हम आपको BSc किए थे और वहाँ मैंने आपका देहरादून से मैंने आपका HMNA किया था। तो मैं मैक्सिमम अब मेरा समय जो है आपका वहीं मेरा गुजरा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आपका हिमाचल। तो मैं देखता था वहाँ पे कि वहाँ पे फार्म में दूध का 60 kg कर रहा है, 50 kg कर रहा है। अच्छा। तो मैं भी अट्रैक्ट था बड़ा कि जर्सी का फार्म आपको बड़ा बढ़िया रहता है जी, और हमको पहले पता नहीं था। अभी भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, एक्चुअली ये गाय नहीं है, जर्सी गाय जो है ना वो गाय नहीं है, वो एक लैब में बैठ के एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ गाय जैसी दिखने वाली एक जानवर है आपका जो है। अच्छा। जो कि तीन जानवर से मिलकर बना हुआ है। पहला याक है, दूसरा हम लोग सुअर बोलते हैं उसको, अमेरिका में URUS नामक जंगली जानवर कहा जाता है उसको। अच्छा। हम लोग सुसर बोलते हैं, वो लोग उसको URUS बोलते हैं। तो ये URUS नामक जंगली जानवर, एक याक और एक हमारी देसी गाय, ये तीनों को क्रॉस करके लैब में बैठ के तीनों से इस तरह का एक नया प्रजाति का उन्होंने जो है एक
जो आविष्कार किया है इसको हम लोग जर्सी गाय और एचएफ गाय कहते हैं। देखिए इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं आजकल कि एक ही पेड़ में चार तरह का पांच तरह का आम फलता है, कैसे फल रहा है उसको हम कलमी कर दिए हैं, कलमी करके दूसरा टहनी जोड़ दिए हैं। तो हम लोग कलम करके जो वृक्ष में हम लोग जो करते हैं वही वो लोग किए हैं गायों में। तो जर्सी और एचएफ ये गाय नहीं है आपका, ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, दूध की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अगर आज ये विदेशी गाय नहीं होती ना तो दूध का रेट आज एक हजार रुपये किलो होता। अच्छा, ये अगर कॉस्टिंग कम कैसे दूध का हो उसके देख उसको देखते हुए इसको अमेरिका और ब्राज़ील ऐसे देशों ने इसको जो है इसको इसका आविष्कार किए हैं और इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा। बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि विदेशों में इसका दूध नहीं पिया जाता है। अच्छा। आप सर्च कीजिएगा, आप स्वयं सर्च कीजिएगा, विदेश में इसका दूध लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं। अच्छा। इनडायरेक्ट लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बीच का अंतर क्या समझिए, इसके दूध का वहाँ खोआ बनता है। अच्छा। सब्जी का ग्रेवी बनता है, क्रीम बनता है। अच्छा। जो कि शाही पनीर, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर भुर्जी, मटर पनीर, पालक पनीर, सब में आपको डलता है ग्रेवी, आम ग्रेवी जो है तो इसका, और मिठाई बनते हैं इसके, पनीर बनते हैं, सब्जी बनते हैं, इस तरह के इसके दूध का प्रोडक्ट बनता है। वो जानते हैं कि इसका दूध इतना हानिकारक है कि डायरेक्ट बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकता है, और अगर कंज्यूम करता है तो उसको अर्थराइटिस, माइग्रेन, आपका कैंसर, ऐसे रोग भी उसको हो सकते हैं आपका जो है। तो ये दूध बहुत घातक है, इस दूध को इनडायरेक्ट लोग, लेकिन हम लोग जो है इसको डायरेक्ट लेते हैं। पश्चिम देशों से हम लोग प्रभावित हैं कि वो लोग जींस का पैंट निकाले थे, जो जंगली जानवर चराते हैं ना, सुअर वो चराते हैं, चाहे गाय चराते, जो भी चराते हैं वहाँ पर लोग, उनको कांटा नहीं फंसे, वहाँ जंगल बहुत है, उनको कांटा नहीं चुभे, इसलिए वहाँ पे जींस, जिन्होंने जींस बनाया, हम लोग उसको फैशन मान लिए। अच्छा। तो वो तो दूसरी चीज़ है कि हम लोग कुछ भी उसको मान लेते हैं, हम लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, तो वो दूसरा चीज़ है वो आपका जो है। वास्तविक में ये गाय नहीं है, गाय हमारी देसी गाय है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गाय माता है आपका जो है, इस कारण से आपने इनका पालन किया। हाँ, देखिए अज्ञानता बस हम गाय लाए, जर्सी गाय हम प्रभावित थे, जैसे प्रभावित एक युवा प्रभावित रहता है, युवा देखता है कि अधिक बेनिफिट कहाँ है, उस वो मेरी आयु थी आज के 5 साल पहले, हम देखते थे बेनिफिट कहाँ है, हम लाए जर्सी गाय, हमको वहाँ लॉस हो गया, हमको जानकारी नहीं था, हमको जो है हम लाए लॉस हो गया, हमको 10 लाख वहाँ लॉस हुआ जो है, अपना हम एक किसान के बेटा हैं, पिताजी पढ़ा के हमको भेज दिए दिल्ली में, हम कमा रहे थे, मेरा फारा पूंजी हम वहाँ लगा दिए अपना, और सारा हमको लॉस हो गया वहाँ पे जो है, क्योंकि आए दिन बीमार पड़ती हैं वो, कभी उसको कुछ, कभी वैक्स, कभी मेडिसिन कुछ देना है, कभी कुछ देना है, कभी सिलाइन चल रहा है, तो बंद हो गया वो। बंद होने के बाद फिर हम सोचे क्या करें भाई, तो बंद, हम स्वभाव थोड़ा जिद्दी आदमी भी हैं, जिद्दी ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ों में है, जो चीज़ ठान लेते हैं उसको, जो उसको मन करता है उसको हम वहाँ तक पहुँचाएं उसको जो है। तो फिर वहाँ पे हम दोबारा गए, इंडिया रह गए, वहाँ पे नाम लिखाए वेटनरी कॉलेज में, इंडिया आई में, उसके बाद फिर किताबी कीड़ा मुझे लगा वहाँ पे कि किताबी कीड़ा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है आपका जो, हमको इस लाइन में हमको प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए जो है। तो मैंने सर्च किया तो उस समय सबसे अच्छा हमको दिखे डॉक्टर कृष्ण, जो कि डॉक्टर कृष्ण करनाल के हैं, हाँ, और सुषमा डेयरी फार्म के नाम से उनका फार्म है, और 20-25 सालों से वो फार्म चला रहे हैं, उन्हीं के कई सारा चेला हैं जो उनके गाइड करने के बाद आज उनकी गाय आपका पीडीएफ में टॉप पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का गाइड किया हुआ आज, वो भले नहीं माने ये बात कि भाई मेरे गुरु डॉक्टर कृष्ण है, या उनके फार्म का जो आपका फार्म का फीडिंग है, वीडिंग है, वो डॉक्टर कृष्ण नहीं देखते हो, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जितने भी करनाल में अच्छे से फार्म है, मैंने स्वयं देखा है वहाँ पे जो है, वो सबको वो गाइड करते हैं, डॉक्टर कृष्ण करते हैं, उन्हीं से हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनका, और वो उनसे हम वचन लिवाए कि भाई हमको आप अर्जुन बनाइएगा, हमको आपके तो कई फर शिष्य है, हजारों शिष्य आपके हैं, हमको वो हजार नहीं बनना, हमको वो एक अलग बनना, हमको जो है इसके लिए आप हमको तैयार कीजिएगा, हमको वचन दिए कि ठीक है हम आपको ट्रेनिंग, आपको हम ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, तो वो हमको वहाँ पे ट्रेनिंग हमको मिला वहाँ से जी, जी, जी। तो उसके बाद वहाँ पे हम ट्रेनिंग लिए, एक साल वहाँ पे हम आपका जो है समय दिए, वो हमको ट्रेनिंग दिए। अच्छा।
उन्हीं का परिश्रम के परिणाम है कि आज हम अच्छे लेवल पे हैं। अच्छा, जो है हम फील्ड भी करते हैं, फील्ड भी देखते हैं, प्लस फार्म भी खोले हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो है हमको हम नेगेटिव नहीं है, फार्म को आगे बढ़ाने का मेरा खूब मन है। अभी एम्स के पास हम अगला फार्म यहाँ से ले जाएंगे 2 साल बाद। अच्छा। वहाँ पे 50 गाय रहेगी जो है। जगह हम देख लिए हैं, जगह बना लिए हैं, तो धीरे धीरे प्रक्रिया चलता रहेगा जो है। तो क्या इन देसी गायों से आप मुनाफा ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे? बिल्कुल ले पा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इससे रूबरू कराएंगे सर। हाँ, रूबरू कराते हैं। जागरूकता थोड़ी सी कम होगी देसी गायों के प्रति, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को रूबरू कराइए ताकि हमारे दर्शक इस चीज़ को जाने। अच्छा, देखिए देसी गाय और विदेशी गाय, विदेशी गाय और देसी गाय। विदेशी गाय एक कमर्शियल बिजनेस है ये, और देसी गाय ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है। ये एक आस्था का, पूजा का घर है आपका। इसको अगर आप बिजनेस मानेगा ना तो लॉस हो जाएगा आपका। हाँ, देखिए अगर आप स्वयं कर सकते हैं, अगर आपको गोबर उठाने में घृणा नहीं आता है, आपको गाय को खाना देने में घृणा नहीं आता है, तो ये रोजगार आपके लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये सब आपको आता है, आपको मार्केटिंग नहीं आता है जी। तो ये आपके लिए लॉस कारण बनेगा। अच्छा। आज के टाइम में लोगों को समझा पाना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेंगे कि भैया हम दूध लेते हैं 60 रुपये केजी, आपका दूध हम 100 रुपये केजी क्यों लें, 120 का केजी हम क्यों लें। वहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा, समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए मार्केट टेक्निक। हाँ, टेक्निक आपके पास, आपके पास सारा। देखिए मार्केटिंग वो नहीं आदमी है जो MBA करके आया है। मार्केटिंग उसे कहते हैं जो जिसको समय आप जो ठोकर दिया है, वो गिरा है उठा है, गिरा उठा है, वो अनुभव ही मार्केटिंग उसके लिए है। वो अनुभव उसको जो है वहाँ पे काम आएगा फील्ड में। अच्छा। आप अगर सोचते हैं कि हम एक स्टाफ रख लेंगे तो दूध पहुँचाएगा, एक स्टाफ खाना खिलाएगा, तो फिर ये आपको बंद हो जाएगा फील्ड में। अच्छा। खुल रहा है, बंद हो रहा है, आप भी देखते होंगे जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो देख रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि आपको फील्ड में कुछ समय तक स्वयं रहना होगा, कस्टमर से आपको कमर्शियल नहीं एक आत्मीय संबंध बनाना होगा। हाँ, कस्टमर को विश्वास हो कि ये व्यक्ति गलत नहीं कर सकता मेरे पास जो है, तब जाके सफल होंगे, तब जाके आप सफल हो जाए। अगर आप कस्टमर के बीच में विश्वास बना पाइएगा तब आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा जो है। तो इस फार्म में कितना खर्चा करें महीने का अगर देखा जाए तो? देखिए अभी हम 1.5 लाख से प्लस का दूध भी बेच रहे हैं। हाँ, 1.5 लाख से प्लस का भी 120 रुपये बेचते हैं, 120 बेचते हैं, 130 भी जाता है, 140 भी जाता है। प्रोडक्शन कितना है दूध का अभी? वही 60 केजी, 60 लीटर। हाँ, 50-55-60 के 10 केजी के अंडर रहता है एवरेज, मतलब हमेशा रहता है 50। हाँ, 50 एवरेज में रहता है। तो मतलब आपका 1.5 लाख आप दूध दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, खर्चा कितना कर लेते हैं? देखिए 1.5 लाख से प्लस का हम दूध बेच रहे हैं और हमारा 50% अभी खर्चा है। 50% का खर्च करते हैं। हाँ, क्योंकि सब कुछ खरीदना होगा शहर में। आप हैं तो शहर में हमको कट्टू भी खरीदना होता है। कट्टू यहाँ 12-12 रुपये किलो है, हरा चारा यहाँ पे 7 रुपये किलो है। ये हमारी कॉस्टिंग को कहने के बढ़ाती है। अच्छा, तो अगर ये कॉस्टिंग नहीं आवे तो इसका वही रहे 45 के अप्रोक्स, लेकिन हमारा कॉस्टिंग 50 है, कभी कभी 60 चला जाता है। तो ये फिर भी हम यहाँ पे समझिए कि 50,000 रुपये हम यहाँ पे 50-60,000 रुपये हम इजिली हम बचा लेते हैं। अच्छा, जो है आपका जो है। तो जी जी, तो जैसे मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जब फार्म अगर कोई भाई शुरू करता है तो क्या उसको ध्यान देना पड़ेगा एक फार्म को शुरुआत करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी देने का? देखिए फार्म को शुरुआत करने से पहले जो है आपको 4 चीज़ों को पढ़ना होगा। मैं बताया हूँ पहले भी वीडियो में, हमें हमेशा कहता हूँ कि 4 चीज़ को आप जान जाइए। इस 4 चीज़ में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि इसको आप जितना भी पढ़ेगा ना उतना ही आप समुंदर की गहराई में आप जितना जाइएगा अंदर उतना गहरा मिलेगा आपको। इसी तरह से ये 4 चीज़ अगर आप समझ जाइएगा तो फार्म में आपको लॉस नहीं होगा। पहला है आपका सीडिंग है, फीडिंग है, ब्रीडिंग है और मेडिसिन है। अच्छा। इन चारों फैक्टर को जब तक आप नहीं पढ़िए, हम मेरा सुझाव है कि इस लाइन में आप नहीं आइए। अच्छा। चारों को आप मजबूत कर लीजिए, चारों फैक्टर को अगर इन चारों को आप मजबूत कर लिए तब ये लाइन आपके लिए सही है आपका जो है। अच्छा। सही आप डेयरी फार्म तो खोल लिए, स्टाफ तो आप ले आइए, मार्केट भी ढूंढ लीजिए आप जो है, उसके बाद गाय बीमार पड़ रही है, गाय सही से हिट में नहीं आ रही है, गाय सीमेन नहीं मान रही है, गाय बच्चा सीमेन ले रही है तो वो आपका सीमेन पलट जा रहा है,
तो इस तरह का चैलेंजेस आपको आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सही आपका फीडिंग और सही मेडिसिन, इन दोनों पे आपको ध्यान देना होगा। तो आपने फीडिंग की बात करी, सर आप क्या फीड कराते हैं इन सभी को? हाँ, हम इसको अभी जो फीड दे रहे हैं जी, हम इसको भी चना का चूरी दे रहे हैं। अच्छा। इसको भी हम संतुलित आहार, एक नीलम कंपनी का आता है। अच्छा अच्छा। या जो अच्छा आपके लिए है, ड्यूज का है, कारगिल, जो भी आपके लिए अच्छा है, जो बेहतर आपको, जो आपको बेहतर लगे जी जी, वो पूरा फीड नहीं देते हैं, आधा फीड देते हैं जी, और आधा इसको जो है हम 4 kg अनाज में 2 kg दाना देते हैं, 1 kg वहाँ पे हम चना का चूरी देते हैं, और 1 kg में हम इसको जो है राइस ब्राउन और खली देते हैं। अच्छा, ये देते हैं। तो ये दोनों टाइम का होता है कि एक टाइम का? नहीं, ये 2 kg एक टाइम का है, 4 kg 2 टाइम का है। तो ये पूरे साल रहता है यही चीज की हमेशा बदल के देते हैं सर? हाँ, बदलते रहता है, मौसम बदलेगा। अच्छा। इसका डाइट बदल जाएगा, जो है गाय गाभिन है उसका अलग डाइट है जी, जो गाय गाभिन नहीं है, जो दूध में है उसका अलग डाइट है, जो गाय ड्राई है उसका अलग डाइट है, और जो बच्चा देने वाली है उसका अलग डाइट है। अच्छा। चारों का अलग अलग डाइट है, सबका अलग अलग डाइट आपने बनाया। हाँ। अच्छा। तो अब हम आपसे ये जानने का प्रयास करें, अगर कोई भाई चाहता है इसे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा इसे जानना कि अगर कोई भाई चाहता है डेयरी फार्म करना, तो क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको मुनाफा होगा नहीं होगा? हाँ, मुनाफा क्यों नहीं होगा? देखिए, कोई भी बिजनेस आपसे 3 साल मांगता है जी। आप कोई भी नए बिजनेस में घुसेगा ना, वो आपसे 3 साल मांगेगा जी जी। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि आपसे 3 साल नहीं मांगता है। अच्छा। ये आपसे 1 साल मांगता है। अच्छा, अच्छा। 1 साल इसको कैसे करें जी जी जी। एक हम जितना बड़ा फार्म बनाए हैं, हम 15 गाय इसमें हम रख सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप देखिए, मेरे पास सिर्फ 5 गाय है, 15 नहीं मेरे पास है। इतना ट्रेनिंग करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, लॉस में आने के बाद भी मेरे पास अभी सिर्फ 5 गाय हैं। अच्छा। अभी मेरे पास 9 गाय हैं, 4 गाय हम भेज दिए गांव, वो गाभिन है, यहाँ पे हम 5 गाय रखे हैं। 5 गाय इसलिए रखे हैं कि हम 15 गाय ले आएंगे, मार्केटिंग हमसे होगा नहीं, 15 गाय का जो है हम सस्ता दूध बेचेंगे, हम आएंगे लॉस में, हम उतना ही दूध का प्रोडक्शन करेंगे जितना हम सेल कर पाए, हमें अच्छा रेट मिल पाए। बिल्कुल। नहीं तो सस्ता के चक्कर में आप नेगेटिव हो जाइएगा, आपका मनोबल टूटेगा, और जैसे ही आपका मनोबल टूटा, आप लॉस में आना शुरू कर दीजिएगा। यही चीज लोगों को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा जो है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है सर हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको